तुम कब आई? आई तुम्हें काफी देर से हुई हूँ, और मेरे आने न आने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो बस ये स्कूल, ये बच्चे, बस यही मायने रखते हैं। ऐसा मत कहो साक्षी। तो क्या कहूँ फिर, तुम्हें कोई अंदाजा है? पिछले कई महीनों से मैं तुमसे मिलने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। हाथ मत लगाओ मुझे, तुम मुझे समझते क्या हो? क्या मैं तुम्हारी बांधी हूँ कि जिस तरह तुम नचाओगे उस तरह मैं नाचूंगी? तुम एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है आर्यन कि तुम दुखी हो तो सब दुखी हो जाए, तुम खुश हो तो सब खुश हो जाए? क्या किसी और का कोई वजूद नहीं है? क्या कह रही हो साक्षी, कम से कम तुम तो मुझे समझो। मैं ये सब अपने लिए नहीं, अपने देश और समाज के लिए तो कर रहा हूँ। ये आदर्श, ये समाज, ये किसी को एक वक्त की ना तो रोटी दे सकते हैं, ना ही सुख। तुम पागल हो चुके हो आर्यन, बिल्कुल पागल। साक्षी प्लीज, तुम तो ऐसा मत कहो साक्षी। तुम भी ऐसा कहोगी तो मैं टूट जाऊंगा साक्षी। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, तुम एक जुनूनी आदमी के साथ साथ एक पागल इंसान भी हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि मेरा सिलेक्शन कैलिफोर्निया के जेएमसी कॉलेज में हो चुका है, और मैं आज ही वहाँ के लिए निकल रही हूँ। गुड बाय। साक्षी, साक्षी। मैंने कहा अपनों से हंस कर कह देना एक बार, मरने को मर जाऊंगा। जहर की पुड़िया खिलाई है, जहर की पुड़िया खिलाई है, याद तेरी क्यों आई है, याद आर्यन, 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 आर्यन क्या हुआ तुमको? आर्यन, आर्यन, ओ नो, ये भगवान क्या हो गया मेरे बेटे को?